कन्नौज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश लवली जायसवाल ने विनोद दीक्षित अस्पताल में स्थित सखी वन स्टाफ सेंटर का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान केंद्र में व्यवस्थाओं को परखने के लिए बारीकी से जानकारी ली और निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर संबंधित कमियों को कड़ी फटकार भी लगाई गई और जल्द से जल्द सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही वन सेंटर में आने वाली पीड़िताओं को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त पैनल अधिवक्ता अभिषेक कुमार से भी सहायता देने के निर्देश दिए। देखिए कन्नौज से शिवम सैनी की रिपोर्ट। के द्वारा निरीक्षण किया गया है, क्या परखा गया है और किस तरह के निर्देश दिए गए? वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जैसा कि हम सारे सचिवों को ये निर्देश है कि हम पूरे जिले में जितने भी शेल्टर होम संचालित हो रहे हैं सबका हमें निरीक्षण करना है। उसी के निर्देश के अनुक्रम में हम लोग मासिक तौर पर निरीक्षण करते हैं और पिछले निरीक्षण में जो कमियां हमने पाई थी वो कमियां इस बार नहीं मिली। जैसे CCTV के फुटेज पिछली बार ये नहीं दिखा पाए थे, बट इस बार इन्होंने दिखाया है। एक कमी जो मुझे मिली कि इनके द्वारा कैंटीन में जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा इनके द्वारा बताया गया जो स्टॉप वन स्टॉप की जो अधीक्षिका है कि ये पुराने वाले कैमरे इंस्टॉल थे जो वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इस संबंध में इनको निर्देशित किया गया कि कैंटीन क्षेत्र में भी जो इनका कैंटीन का एरिया जो यहाँ इन्होंने खाना वाना बनाने के लिए बना रखा है उसके कैमरे को भी ये तत्काल बदलवाएं और उसको ये कार्यरत करवाएं। दूसरा जो एक कमी और देखी गई, वॉशरूम्स की सफाई को लेकर हर बार निर्देश दिए गए हैं। जो इस बार सबसे बड़ी कमी देखी गई कि वॉशरूम्स में बहुत बैक साइड से बहुत बड़े बड़े होल खुले हुए हैं जिसमें से किसी भी व्यक्ति का आना जाना बहुत ईजिली वो आ जा सकता है और बैक साइड में कैमरा नहीं लगाया गया है। तो इसके लिए क्या निर्देश दिए गए? इसके लिए तुरंत अधीक्षिका को कहा गया कि संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनसे ये बात करें, बैक साइड में कैमरे को लगवाएं और तत्काल प्रभाव से जितने वॉशरूम की ये जो बड़ी बड़ी खिड़कियां खुली हुई हैं इसको लोहे के ग्रिल से इसको लगवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि चूंकि ये पीड़ित और महिलाओं से संबंधित संस्था है, ये उनके आपके अस्थाई आश्रय की संस्था है, तो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इतने वॉशरूम्स में इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियों का खुलना ये कतई उचित नहीं है और इसको ये तत्काल प्रभाव से ठीक करना। कहीं ना कहीं मैम इन लोग की लापरवाही से कई महिलाएं यहाँ पर आती हैं और इनके परिजन पीछे से मिल भी सकते हैं। अपने जिस तरह से निरीक्षण किया उसमें देखा है कितने बड़े बड़े होल हैं जिसमें उनके परिजन चाहें तो मिल सकते हैं पीछे से, तो इस पर क्या बड़ा कार्रवाई रहेगी लोगों के लिए और लापरवाही पर क्या रहेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मान सकती कि कोई पीछे से आकर मिल लेगा। इसकी हम सिर्फ संभावना बता सकते हैं क्योंकि वो होल्स इतने बड़े हैं उसमें से किसी का भी आना जाना आसानी से हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि मतलब इसकी संभावना हम नहीं कह सकते कि भाई इनके द्वारा कुछ इस तरीके का वो किया जाता होगा कि कोई आ जाए, लेकिन हाँ सुरक्षा की दृष्टि से ये कतई अनुचित है और जिसको कि ठीक करवाना तत्काल प्रभाव से इनकी जिम्मेदारी है जिसको ये ठीक करवाएंगे। एक कमी और मैंने देखी कि आंगन साइड में इनके वाटर कूलर लगा हुआ है बट वो वाटर कूलर संचालित नहीं है और इसमें ये जो पूरी संस्था है इसमें पुलिस रिपोर्टिंग चौकी काम करती है, उस पुलिस रिपोर्टिंग चौकी को पानी पीने में जो है एक समस्या आ रही है क्योंकि जो इनके आरओ लगा हुआ है वो इनका कैंटीन में लगा हुआ है जिसको कि रात में बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ महिला रिपोर्टिंग चौकी की पर जो भी महिला पुलिसकर्मी हमारी यहाँ पर डिप्यूट की गई हैं उनको पानी की समस्या हो रही है। तो उसके लिए भी अधीक्षिका को बताया गया है कि आप एक तो उस कैंटीन का कैमरा ठीक करवाएं और दूसरा जब तक आप आरओ प्लांट को बाहर आंगन में नहीं लगवा लेते हैं तब तक उसमें ताला नया नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और ये अधीक्षिका को बताया गया है कि आप हर तरीके के जितने भी हमारे इमरजेंसी नंबर हैं और जितने भी हमारे सरकार की तरफ से आपकी जो हेल्पलाइन नंबर्स कार्य कर रहे हैं उन सारे हेल्पलाइन नंबरों का जो आपका वो है सहज जो आपका दृश्यमान भाग है कि गेट से एंट्री करते आपने नोटिस बोर्ड लगा रखा है वहां पर आप उन सारे नंबरों को फ्लैश करवाइए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो कार्य कर रही है यहाँ पर विधिक सहायता के लिए अगर कोई पीड़ित आती है उसमें हमने यहाँ पर PLV की ड्यूटी को अपॉइंट कर रखा है, हमारे यहाँ पर पैनल लॉयर अपॉइंटेड है उनके नंबर्स को भी आप यहाँ पर फ्लैश करवाइए और अगर कोई भी पीड़िता जिसको विधिक सहायता की आवश्यकता है उसके प्रार्थना पत्र को आप लिखवाइए और तत्काल उसमें कार्यवाही के लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उसमें भेज दीजिए।